हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा जो चैप्टर है डेट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दिस इज माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो, जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो डेट इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जिसको ह्यूमन बींग जो है बनाते हैं और जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट है। तो ये प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके द्वारा हम प्रोडक्शन के अंदर इनकम जो मतलब फिजिकल विजिबल होते हैं, टेंजिबल होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग जो है ओवर द टाइम उनके पास स्किल क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। और यहाँ पे जो फिजिकल कैपिटल का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो ऑनर है कि फिजिकल कैपिटल वो किस तरह से उसका डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि इस फिजिकल कैपिटल को अगर हमने क्रिएट करना है तो इसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, और ये एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर, तो यहाँ पे जो है इसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हम इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। फिजिकल कैपिटल के अंदर हम निवेश इसी उद्देश्य से करते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के अंदर जैसे हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, किस तरह से हमने कौन सी स्किल एक्वायर करनी है, तो हमारा फ्रेंड सर्कल जो है उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनका असर पड़ता है, सोसाइटी का असर पड़ता है। तो फिजिकल कैपिटल जो होती है टेंजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसको हम मार्केट के अंदर बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। बट जो ह्यूमन कैपिटल है डेट इज इनटेंजिबल, इसको हम जो है मार्केट के अंदर कमोडिटी की तरह सेल नहीं कर सकते, अपनी सर्विसेज जो होती हैं वो सेल कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल जो होती है इसको ऑनर से सेपरेट किया जा सकता है, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, इसको हम सेल कर सकते हैं, ऑनर का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम द ऑनर। जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो वहां पे जो ह्यूमन बीइंग है उसका प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे टीचर है वो टीच कर रहा है तो उसका खुद का प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी वो अपनी सर्विसेज जो है रेंडर कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसको ऑनर से ह्यूमन कैपिटल जो है इसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल जो है परफेक्टली मोबाइल है अपने देश के अंदर। अगर एक देश से दूसरे देश के अंदर जाना है तो कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है इसकी मोबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट ह्यूमन कैपिटल जो है नेशनैलिटी और कल्चर के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होती है, बड़ी आसानी के साथ एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकती, इवन एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के अंदर भी मतलब नहीं जाती, क्योंकि ये जो है इनके ऊपर ह्यूमन कैपिटल जो होती है परफेक्टली मोबाइल नहीं होती। फिजिकल कैपिटल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका वेयर एंड टीयर होता है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, एब्सोल्यूट हो जाती है, तो इसके अंदर इनोवेशन के द्वारा जो है हम इसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल है जैसे जैसे एज होती जाती है तो ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी भी कम होती जाती है, बट इसको हम कंटिन्यूसली एजुकेशन करके, ट्रेनिंग करके, प्रॉपर हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा, प्रॉपर अपडेशन के द्वारा हम ह्यूमन कैपिटल की डेप्रिसिएशन होने से रोक सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल जब देखो यहाँ पे जब मशीनरी बनाई जाती है या इक्विपमेंट बनाई जाती है तो ये जो जिसको बेची जाती है वो इसे अपना बिजनेस चलाता है, तो जिससे प्राइवेट बेनिफिट जनरेट होते हैं। पहले तो प्रोड्यूसर सेल करता है, उसको बेनिफिट मिलता है, फिर जिसको दिया जाता है वो उसे अपना काम करता है तो उसको बेनिफिट होता है। बट जो ह्यूमन कैपिटल है इससे प्राइवेट बेनिफिट भी होता है, क्योंकि जब हम सर्विसेज देते हैं तो ह्यूमन बीइंग को भी बेनिफिट होता है। उसी तरह वो कोई इनोवेशन करता है, कोई एक्सपीरियंस देता है, तो जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है।